यार अभी अभी हमने कबूतर बन लिया है में भी अंडे पड़े में तीन पता नहीं चार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम चेक करने वाले हैं हमारी ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बच्चे निकले हैं या नहीं। पिछली दफा तो वैसे मर गए थे, इस दफा चेक करते हैं निकले या नहीं। और पहले इसकी भी चेक करते हैं क्योंकि पर जो नज़र आ रहा है मुझे हिलता हुआ, इससे मुझे डाउट हो रहा है शायद बच्चा निकल गया है शायद। फिर भी चेक करते हैं, वो ये नहीं निकला, अंडा पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह निकल जाएगा इसका, तो शायद निकल जाए, इंशाल्लाह निकलेगा फिर भी। और इसके भी चेक करते हैं क्योंकि इसने भी अंडे देने हैं वापस। ये देखो यार, ये घास कहाँ से आ रहा है? अंदर घास नहीं है, कपड़े कहाँ से आ रहे हैं? कोई जगह भी नहीं है देखो, यहाँ पे कहीं पे कपड़ा है भी नहीं, फिर भी अंदर से कपड़े मिल रहे हैं हमें। पता नहीं कहाँ से पकड़ रहे हैं यार। ये हम ढकते हैं उसमें से फाड़ते होंगे, जो हम कपड़ा ढकते हैं ना उसमें से फाड़ लेंगे। और इसके अंदर भी चेक करते हैं इनके बच्चे भी। और अभी चेक करते हैं इसमें, तो यार सारे के सारे अंडे पड़े हैं, दो अंडे पड़े हैं इसमें बस, एक अंडा यहाँ पे भी था करीब में, वो ये पड़ा हुआ है देखो। और इसके अंदर चेक करते हैं अभी, इसके अंदर भी चार अंडे पड़े हैं बच्चे, किसी में भी नहीं है। इसमें भी अंडे पड़े हैं तीन, पता नहीं चार, तीनों मटके में अंडे अंडे पड़े हुए लेकिन बच्चे नहीं निकले हुए। और ये भी पता नहीं अभी तक अंडे देने में ही नहीं आ रही है, इन्होंने भी अभी तक अंडे नहीं दिए, इतने टाइम से अंडे कर आए भी। और ये देखो इसके काम, ये दाना खराब कर रहे हैं यहाँ पे, चलो जाओ यहाँ से। अब और अब खरगोश को चेक करते हैं हमारे को, ये देखो क्या हाल है। इन्होंने भी यार वापस बच्चे ही नहीं दिए, पिछली बार भी इसने बच्चे मार दिए या मर गए, लेकिन वापसी अभी तक बच्चे नहीं दिए। और आज इन्हों के भी चेक करते हैं, इन्होंने भी शायद नहीं दिए। ये देखो खड्डे खोदते रहते हैं यहाँ पर कोने में, इसको बंद कर दिया, चारों साइड खड्डे खड्डे करती रहती है, सुकून नहीं है। और अभी हम मुर्गी के बच्चे भी चेक करते हैं, मुर्गी को खोलते नहीं है, सिर्फ ये भी सामने से देख लेते हैं क्योंकि हम गेट खोलेंगे तो ये सारे यहाँ पर आ जाएंगे, फिर ये लड़ेंगे चिनी मुर्गियाँ, और वो लड़ाई करने लग जाती हैं, इस वजह से हम साथ खोलते नहीं हैं। और अभी चलते हैं हम अपने कबूतरों के पास ऊपर, और बत्तख वगैरह को खाना वगैरह और पानी वगैरह देते हैं। सारे कबूतर खाना वगैरह खा रहे हैं, और बच्चे भी देखो माशाल्लाह से आज बच्चा भी खुद खा रहा है, छोटे वाला खा रहा है ना, बड़े वाला खाएं। एक तो देखो कोने में बैठा हुआ बीमार हुआ, दवाई वगैरह दी थी ठीक नहीं हुआ, और एक ये घूम रहा है, और छोटे वाला खा रहा है वो देखो, वो रहा माशाल्लाह से खुद ही खा रहा है खाना वगैरह। और अभी ये वाला भी ठीक नहीं होने में आ रहा है यार, बस उड़ नहीं सकता, ये वैसे खाना वगैरह खाता है और बिल्कुल ठीक है। और एक हमारा कबूतर देखो, इसकी फीमेल अभी अभी उड़ रही है ऊपर, ऊपर गई भी उड़ रही है वो, तो ये इधर उधर घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है। और सामने वाले बच्चे देखो माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं, करीब से चल कर दिखाता हूँ आपको। एक जंगली की तरह है, और एक आधा काला और आधा वाइट है, बिल्कुल सेम इसके जैसा होगा। और ये देखो बच्चे माशाल्लाह से, ये देखो जंगली की तरह है, ये वाला जंगली की तरह है, और ये वाला आधा काला और आधा वाइट, ये देखो सेम उसकी तरह है ना, ये वाला ये सेम उसकी तरह लग रहा है। इसको भी छोड़ देते हैं, अंदर ही रहेंगे। चलो गिर ना जाइए, पीछे हो जाए, इधर आ जाओ। चलो और ये वाली माशाल्लाह बड़े हो गए ना, काफ़ी बड़े हो गए माशाल्लाह से ये भी। और ये दोनों फ़र्क नहीं है इन दोनों में, ये दोनों एक जितने, बाकी कबूतरों में फ़र्क है, एक छोटा एक बड़ा, ये बिल्कुल एक जितने। और ये वाला भी बटेर को भी देखो, और अभी इन्हों को भी देते हैं खाना वगैरह, खाना वगैरह इनके पास है नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी बत्तख वगैरह। आ जाओ, चलो चलो आ जाओ, खाना वगैरह दे दिया, मुर्गा मुर्गी खाएंगे फिर ये खाएंगी। अभी इन्हों को खाना वगैरह दे दिया, ये खाना वगैरह खा लें। और ये बत्तख भी डर रही है यार, मुर्गा मुर्गी वहाँ खाना खा रहे ना, नहीं तो ये वहाँ चले जाते, बस अभी पास नहीं जाएंगे। छोटे बत्तख भी बोल रहे हैं हमारे को निकालो, हमने खाना खाना है, इनको भी निकालेंगे लेकिन उससे पहले मुर्गा मुर्गी खा लें, नहीं तो वो मारेंगे इसे। और जब तक चलते हैं हम ऊपर वाले कबूतर को देखते हैं, ऊपर हम और कबूतर भी लेकर आए आज, और हमने काफ़ी हद तक अपना चीज़ा बना लिया है। ये देखो चारों साइड से नॉर्मल जाए वही लगाइए, पुराने नहीं जाली, क्योंकि हम इसको कलर कर देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, अभी तो बुरी लग रही है थोड़ी सी। ये देखो इस साइड से जाली लगा दी है, ये वाली नहीं है, बाकी सारी हमारे पास पहले की पड़ी थी पुरानी, वही लगाई है हमने, ये तो नीचे लगाएंगे अभी हम, ये भी हो जाएगा कल परसों तो कम्प्लीट। और यार अभी देखो एक कबूतर कहाँ गिरा पड़ा है हमारा नीचे, ऊपर आओ देखो, एक कबूतर यहाँ गिरा पड़ा है और दो कबूतर ऊपर बैठे हुए हैं, वही पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, नए लेकर आए थे, और बाकी नए कबूतर और भी थे यहाँ पे, एक वो घूम रहा हो, वो घूम रहा हो देखो, वो वाला है ना जो, एक ये भी नया लेकर आए, पानी वगैरह डाल दिया, शायद पानी वगैरह देख कर आ जाए, ये तो आने ही कर रहा है ऊपर से, ये भी आएगा नीचे आएगा, ये वाला पीछे हो जाते हैं फिर आ जाएगा नीचे खुद। और इसको भी उतारते हैं, छपका लेकर आ जाए, वो छपका लेने भेजा था उसे, ये आ गया। और ये देखो हमारा कबूतर पीछे था, अभी आगे आ गया है, शायद यहाँ से उतर जाए नीचे, पानी वगैरह रखा हुआ है तो नीचे आ जाएगा यार, अभी देख रहा है ये शायद नीचे उतर जाए, इस वाले को लेकर आते हैं, वो तो आ जाएगा खुद ही, इस वाले को भी नीचे ऊपर उतार लेकर आते हैं। दोस्तों यार अभी अभी हम एक नई चीज़ तैयार कर रहे हैं, इससे कबूतर को ऊपर लेकर आएंगे फंसा कर, अगर आ जाए तो, केमिकल बन रहा है हमने इसके अंदर, अभी इसको नीचे भेजते हैं। केमिकल खोलो इसमें से, यही मेरे को लगा यही ना नीचे चला जाएगा।
ये देखो अभी ये भी आने की कोशिश कर रहा है, ये आएगा, ये देखो अभी बिल्कुल कोने पे चला गया, ये कोने से आएगा, आप देखो कबूतर उछाल कर दो, ये केमिकल निकालो, अभी इसको बेचते हैं नीचे। ये देखो अभी ये नीचे डाल रहे हैं, छपका नीचे जा रहा है, ये देखें ये देखें, आएगा आएगा, थोड़ी करीब करें। डर रहा है, ये देखो डर रहा है, नीचे नहीं चला जा, नीचे से जगह भी नहीं है, देखे नीचे के आगे से डाले हैं। दूसरी डंडी है कोई? दूसरी डंडी लेकर आओ, जीतू जल्दी पीछे ले, इससे मंगाओ, इससे जेन लेकर आना, जेन दूसरी डंडी लाना, पढ़ लेती अभी। या देखो अभी अभी दूसरी डंडी भी आ गई, अब दोनों डंडी आ गई, अब देखते हैं क्या करते हैं शौदी भाई। अरे 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 क्या कर रहे हो, अभी फंस जाता जेन, आप थोड़ा पीछे हैं, केमिकल लटक रहा है। इससे बड़ी डंडी बनवानी पड़ेगी अभी। खींचो अब, खींचो अब, खींचो, ये आ गया कबूतर ऊपर, ये देखो हमने कबूतर पकड़ लिया है यार, अभी अभी हमने कबूतर को लिया, नीचे हो इतनी, ओए आ गया आ गया आ गया, शुक्र है कबूतर आ गया यार, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए, ये देखने का कपड़े मेरे, अरे यार पकड़ो कबूतर को, दिखा मुझे दिखा, ये देख यार, इतनी मुश्किल से कबूतर को उतारा है ना मैंने, देखो कबूतर तो आ गया है, बड़ी मुश्किल से आया है, एक कबूतर हमारा सामने ही बैठा हुआ, वो देखो ऊपर, अभी उसको भी उतारते हैं नीचे, बड़ी मुश्किल से कबूतर को भी हमने इसको तो उतारा, ये तो छोड़ दिया वहाँ पर, अभी वो भी आ जाए बस जल्दी से नीचे, अब आ जाएगा, पानी रख दिया वहाँ पे, वो नहा रहा है, हीटर रख लो उसके ऊपर, बीमार हो जाएगा, सर्दी लग जाएगी वरना नहा रहे हैं वो, तो केमिकल लपेट लो वापस, छपके को भी साइड में करके रखो, अरे बंद करो इसे यार, मैंने उधर देखा तो बत्तख को मार रहा था मुर्गा, क्या कर रहे हो, देखो तो सही। लो दोस्तों, तो यार अभी तक हमारा कबूतर आया ही नहीं है, वो भी थोड़ी देर पहले हमने उड़ाया था ना, काफी ऊपर उड़ रहा है वो, ये वाला छोटा छोटा सा नजर आ रहा है, अभी हमने दूसरे कबूतर दिखाए क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया है, तो वो कबूतर देख कर आ जाए नीचे, और ये देखो ये कबूतर उसका पार्टनर इधर उधर घूम ही जा रहा है, अभी हम ये लगाने लगे यहाँ पर, वहाँ की सेटिंग हटा दी हमने, वो टंकी पकड़ ली थी और उस साइड से नीचे कबूतर गिरते थे, अब इधर लगा देंगे ना, इधर पीछे छत हैं तो हम कबूतर वगैरह उतार लेते हैं, अब ये यहाँ पर लगा रहे सारे सिस्टम, अभी लगाते हैं यहाँ पर हम, हमारा कबूतर भी आ जाएगा जब तक हमने दूसरे कबूतर उड़ा दिया, ये देखो यहाँ पे जल्दी आ जाएगा वो कबूतर के भी नीचे। हेलो दोस्तों, यार अभी तक हमारा कबूतर ही नहीं उतरा, ऊपर उड़ रहा है, और ये रहा उतर जाएगा नीचे ये भी थोड़ी देर में, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और दुआ करें हमारा कबूतर उतर जाए।